students, welcome to the common group of students, standard 4th subject GK. बच्चों आज हम GK में देखेंगे हमारा chapter number 27 क्या है? Ender jar species मतलब जो विलुप्त होने होती है विलुप्त होने वाली जो प्रजाति हैं बच्चों animals उनके बारे में हम बात करेंगे जो विलुप्त हो चुकी है अब उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है देखिए some of the animals are threatened for their life due to human action हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए अपने काम के लिए हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं जो उन्हें मारते हैं इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए हम सबको जंगल को नष्ट करते हैं बच्चे एनिमल को हम मारते हैं तो इसके लिए जो अमूर्त जो एनिमल्स हैं वो उसकी जाति जो है वो लुप्त हो रही है अब उसके बारे में हमें पता ही नहीं थी प्रजाति थी वो बिल्कुल लुप्त हो रही है उसके बारे में आज हम देखेंगे ठीक है First, these are the largest species of bear that live in Arctic region. ये सबसे बड़ी प्रजाति थी bear की कौन सी bear एक animal है वो सबसे बड़ी उसकी प्रजाति थी बहुत सारे लोग largest species बहुत बड़ी species उनकी जाति थी bear that live in Arctic region वो Arctic region जो है वहाँ रहते थे Arctic जो है ना Arctic circle हमारा Antarctica Arctic वहाँ वो उनके वो वहाँ पाए जाते थे There are enders due to hunting and climate changes. We call them, इसे क्या बोलते हैं हम polar bear. Human being ने शिकार करने के लिए उसका यूज किया शिकार करने के लिए और क्लाइमेट चेंज होता है उसकी वजह से भी वो डी हो रहे एंडर्स हो रहे मतलब उसकी जाति क्या लुप्त हो रही तो वो कौन सा एनिमल था पोलर बियर एनिमल था क्या स्पेलिंग है पी ओ एल ए आर और बियर का स्पेलिंग है बी ई ए आर पोलर बियर ये जो एनिमल है बच्चों उसकी जो जाति है वहाँ कहाँ पाई जाती थी एंटार्क्टिक रीजन में हंटर मतलब शिकारी लोग शिकार करने के लिए एनिमल को हंट करते थे और क्लाइमेट चेंजेस की वजह से भी उसकी जाति लुप्त हो गई ठीक है तो वो कौन सा एनिमल था पोलर बियर सेकेंड दिस इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल सबसे ज़्यादा जो हमारी पृथ्वी पर फास्टेस्ट जो दौड़ता था कौन सा एनिमल था चीता इट हैज अ लार्ज ब्लेड ट्रैड ड्रॉप्स एंड अंडर इट्स आईज दे आर एंडर्स ड्यू टू ह्यूमन एंट्रोचमेंट्स एंड दे आर बेटर टोल उसे कौन सा एनिमल बोलते हैं ये जो एनिमल है क्या नाम है उसका चीता सबसे फास्ट झड़पी दौड़ता एनिमल था बच्चों तो वो क्यों उसकी जाति लुप्त हो रही थी क्योंकि हम जो ह्यूमन बींग्स है अपने यूज करने अपने यूज के लिए ये एनिमल है उससे हम मार डालते थे ठीक है उसके पूरी बॉडी पे देखिए डार्क ब्लैक कलर के क्या है टीयर ड्रॉप्स है ठीक है देखिए उसके आंख में से निकल रहे हैं ना ब्लैक टीयर ड्रॉप्स ठीक है तो ये जाती है उसकी लुप्त हो गई तो वो कौन सा एनिमल था चीता है कौन सा चीता सी एच डबल ई टी ए एच फिर नेक्स्ट देखिए थर्ड क्या है दिस स्पाइसिस ऑफ बर्ड इज नेटिव टू साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका ये जो बर्ड है कहाँ पाया जाता था साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका में दिस स्पाइसिस हैज अ लॉन्ग ब्लैक वेटल विद अ पेंडेंट शेप पॉन्च ऑन इट्स थ्रोट एंड रेस्ट ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेयर उसके जो बच्चों स्पाइसिस है वो क्या है लॉन्ग ब्लैक वेटल और पेंडेंट शेप में है इट वॉज डिस्टर्ब बाय सर एल्फ्रेड वॉलेस इट इज टॉल अ लॉन्ग वेटल उसका नाम ये जो बर्ड है बच्चों उसका नाम क्या है अम्ब्रेला बर्ड क्या नाम है अम्ब्रेला बर्ड यू एम बी आर डी डबल एल ए बर्ड का स्पेलिंग है बी आई आर डी कहाँ पाया जाता है साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका में वो पाया जाता था ठीक है बच्चों चलो नेक्स्ट देखते हैं फोर दिस एनिमल स्पाइसिस ये जो जाती थी स्टॉलर चीरू कौन से नाम से जानी जाती थी चीरू एंड है सॉफ्ट फॉर वो बहुत अच्छा सॉफ्ट प्राणी था इट इज एंडर्स ये उसका विलुप्त क्यों हो रहा है उसका विनाश क्यों हुआ क्योंकि इलीगल हंटिंग इलीगली सब उसका शिकार करते थे हंटिंग मतलब शिकार एंड पोचिंग इट इज टॉल तेज एनिमल था क्या नाम था टिबेटन एंटेलोप क्या नाम था टिबेटन एंटेलोप स्पेलिंग है टी आई बी ई टी ए एन टिबेटन एंटेलोप का स्पेलिंग ए एन टी एल ओ पी ई ठीक है तेज एनिमल है क्यों लुप्त हो रहा है क्योंकि इलीगली लोग उसका शिकार करते थे उसका नाम दूसरा क्या था चीरू एनिमल है क्या नाम है टिबेटन एंटेलोप ठीक है नेक्स्ट है
दिस एनिमल लुक्स लाइक अ लायन. ये जो एनिमल बच्चों बिल्कुल टिस्टे जैसे देख रहा है लायन के जैसे. दिस एनिमल इनहेबिट केरला. केरला में वो पाया जाता है, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया वहाँ वो पाया जाता है. दिस आर अ एंडेज ड्यू टू उसका विनाश क्यों हुआ, उसी जाति क्यों लुप्त हो रही, क्योंकि पोचिंग एंड लॉस ऑफ हैबिटेट. तो ये जो एनिमल है उसका नाम क्या है, लायन टेल मैट्यू. क्या नाम है, लायन टेल मैट्यू. स्पेलिंग है LION, टेल का स्पेलिंग है TAILED और मैट्यू का स्पेलिंग है MACAQUE, मैट्यू. ठीक है बच्चों, समझ में आया. तो जो एनिमल्स है उसकी जाति जो लुप्त हो रही है अभी, उसके हमें कुछ पता ही नहीं है. पहले वो ये जाति पाई जाती थी, पर अभी के जनरेशन में सबने डिफॉरेस्टेशन किया, सीटा किया, तो ये सारी जो जातियाँ लुप्त हो रही है. उसके बाद हमें अभी कुछ पता ही नहीं है. तो आज ये चैप्टर में हमने देखा, तो फर्स्ट जो था इन्फॉर्मेशन बच्चों किस कौन से एनिमल की थी, पोलर बियर की थी, POLAR BEAR. सेकेंड जो इन्फॉर्मेशन दी थी कौन सी एनिमल की थी, चीता थी, CH EETAH. थर्ड जो इन्फॉर्मेशन थी कौन से एनिमल की थी बच्चों, अम्ब्रेला बर्ड. फोर्थ थी कौन से एनिमल की थी, तिबेटियन एंटेलोप. एंड फिफ्थ जो इन्फॉर्मेशन थी कौन से एनिमल की थी, लायन टेल मैट्यू. ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है हमें दी है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है. कौन सी इन्फॉर्मेशन कौन से एनिमल की आपको अच्छे से लर्न करना है. ठीक है बच्चों, हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे. थैंक यू.